आज हम अध्याय चार नया अध्याय दे रहे हैं। अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। इस अध्याय में हम परमाणु की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि परमाणु विभाजकण है, एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से अब बात ये आती है, सवाल ये आता है दिमाग में कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों है, सारे परमाणु एक जैसे क्यों नहीं है, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग क्यों है। दूसरी बात यह है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है या इसके अंदर और भी कोई कुछ प्रकार के कण पाए जाते हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं देखने को मिली जिससे ये इस तरह के विचार दिमाग में आए कि परमाणु के अंदर भी कोई कण हो सकते हैं। जैसे कि एक क्रियाकलाप करते हैं, हमारा टॉपिक है सबसे पहले पदार्थों में आवेशित कण, ये इलेक्ट्रॉन से पहले की बातें हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले की बातें हैं। हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं या पेन को रगड़ते हैं, प्लास्टिक का कोई पेन ले लिया, इस कंघी या पेन को कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कंघी या प्लास्टिक का पेन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और आपस में रगड़ने पर, इनको आपस में रगड़ने पर क्या होता है, ऐसा इनमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी ऐसा इसलिए होता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उन पर स्थिर वैद्युत आवेश आ जाता है और ये आवेश परमाणु, ये आवेश कहां से आता है इस बात का उस समय तक पता नहीं था कि पदार्थों को वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनके ऊपर आवेश कहां से आता है। जैसे अगर इसको इस तरह देखें, अगर इसको इस तरह से ये जैसे पेन है, पेन को इस तरह रगड़ के देखें तो इस तरह कागज इसके पास इस तरह चिपक जाते हैं। तो ये आखिरी आवेश दो वस्तुओं को रगड़ने से कहां से आ जाता है, इस बात का उत्तर तब मिला जब ये पता चला कि परमाणु विभाज्य कण है तथा आवेशित कणों से बना है। इसका उत्तर तब मिला जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो अब लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। वैज्ञानिक जे जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब, एक कांच की ट्यूब ली, उसमें कैथोड लगाया, एनोड लगाया और हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की और कैथोड जो सिरा था ट्यूब के अंदर उसमें से किरणें निकल करके एनोड की ओर गई, उनको कैथोड रे कहा या कैथोड किरणें कहा। तो कैथोड जो किरणें हैं उनमें आवेशित कण पाए गए। ये कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं और इन आवेशित कणों को जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। यानी कैथोड किरणें जो प्राप्त की उन्होंने, उसमें पाया कि इन किरणों में भी कण होते हैं और ये कण परमाणु से निकल के जाते हैं एनोड की ओर, और इन कणों को, ये ऋणावेशित जो कण थे इनको थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इसके बाद में अब बात आती है कि जब परमाणु में ऋणावेशित कण होते हैं तो परमाणु ऋणावेशित क्यों नहीं होता। परमाणु तो विद्युत का उदासीन होता है, अर्थात पूरे परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। और यह भी पता चल गया है कि परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि धनावेशित कण भी होने चाहिए। जिस प्रकार से ऋणावेशित कण होते हैं उसी प्रकार से परमाणु के भीतर ऋणावेशित कण भी होने चाहिए और दोनों की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, दोनों का आवेश बराबर होना चाहिए, विपरीत आवेश होगा लेकिन बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरा प्रयोग किया ई बोल्ड स्टील में। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज, वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन
इगोटस्की ने 1886 में कैनाल रे यानी कैनाल किरणें, या इनको बोलते हैं एनोड किरणें प्राप्त की। चूंकि एनोड से निकलती है इनको एनोड किरणें कह दिया, तो इस तरह से इन्होंने प्राप्त की। और इन किरणों या विकिरणों में धनावेशित कण पाए गए जिन्हें प्रोटॉन कहा गया। तो इस प्रकार से पहले जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके बाद में वैज्ञानिक ई गोल्डस्मिथ ने प्रोटॉन की धनावेशित कणों की खोज कर डाली। और इस तरह से अब बिल्कुल पता लग गया था कि परमाणु विभाजित भी हो सकता है और खुद परमाणु भी अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार से परमाणु के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिली। इस प्रकार परमाणु के अंदर उपस्थित कणों के बारे में निम्न जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली कि नंबर एक, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं। एक तो बात ये सामने आ गई, इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश तथा इसका भार कह दो, द्रव्यमान कह दो, इसका भार नगण्य होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य होता है। जैसे हम बात करें, कोई 100 किलो की गेहूं की बोरी है और उसमें अगर 10-20 ग्राम गेहूं ऊपर हो, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे 100 किलो 10 ग्राम, 100 किलो 20 ग्राम, हम उसको 100 किलो मान लेते हैं, वो 10 ग्राम 20 ग्राम कोई मायना नहीं रखते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की तुलना में उसका भार नहीं के बराबर होता है। यानी हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 20,000 गुना हल्का है, या इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 20,000 गुना भारी है, इस तरह हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश तथा भार होता है, नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश तथा इसका भार इलेक्ट्रॉन से 2,000 गुना अधिक होता है, अधिक
होता है। अब परमाणु विद्युत का उदाहरण क्या होता है? किसी परमाणु में धनावेश व ऋणावेश बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कणों की खोज के पश्चात जो डाल्टन का पूरा सिद्धांत अमान्य नहीं हुआ, उसका एक बिंदु अमान्य हो गया। तो पूर्ण था कि परमाणु अविभाज्य कण की जो अवधारणा थी, अविभाज्य की जो अवधारणा थी कि परमाणु अविभाज्य कण है, वो धारणा अब अमान्य होगी, गलत साबित होगी, क्योंकि परमाणु के भीतर भी कण पाए जाते हैं, अर्थात परमाणु भी अन्य प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और उससे छोटे भी कण उसके भीतर पाए जाते हैं। तो ये एक अवधारणा डाल्टन की अमान्य होगी। फिर थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? अब बात यह आई कि जब पता लग गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ऋणावेशित कण, प्रोटॉन भी होते हैं धनावेशित कण, अब बात यह आई वैज्ञानिकों के दिमाग में कि ये कण परमाणु के भीतर कैसे रहते हैं, परमाणु का भीतर से मॉडल क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले परमाणु का थॉमसन मॉडल, सबसे पहले जेजे थॉमसन ने परमाणु की संरचना संबंधित मॉडल दिया। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने क्रिसमस केक बनाते हैं तो वो एक प्रकार की मिठाई है, तो वो तो अभी पुडिंग, और उस मिठाई में सूखे मेवे लगे होते हैं, वो हो गए प्लम। तो पुडिंग को तो हम धनावेशित गोला मान लें और पुडिंग प्लम को हम उसमें इलेक्ट्रॉन मान लें ऋणावेशित कण। पुडिंग तो मिठाई होगी जो कि पूरा पूरा गोलाकार होती है और वो धनावेशित मान लिया, और उसके ऊपर प्लम बने होते हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेश का एक गोला है और जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं। ऋणावेश का धनावेश का गोला का मतलब इतना ही बहुत बड़ा गोला होता है, वैसे तो परमाणु इतना छोटा होता है कि हमें सीधे सीधे आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र में से हम उसको देख सकते हैं, लेकिन आकृति के हिसाब से गोला कह दिया। तो ये परमाणु धनावेश का एक गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि पुडिंग क्रिसमस केक यानी एक प्रकार की मिठाई है। यदि इसको धनावेश का गोला मान ले, पुडिंग को तो धनावेश का गोला मान लिया और इस पर लगे प्लम को ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन मान ले जो किसी सूखे मेवे के रूप में होते हैं। और थॉमसन ने एक बात और बताई कि ऋणावेश व धनावेश मात्रा में बराबर होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। तो इस बात का भी हल हो गया। और अगली बात आती इसमें कि हम इसको एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें तो समझ सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल को। जैसे तरबूज का उदाहरण ले लें, मान लीजिए तरबूज का जो लाल भाग है उसको हम धनावेश मान लें और उसके बीच बीच में जो बीज धसे होते हैं तरबूज के उनको ऋणावेश इलेक्ट्रॉन मान लें। तो इस तरह का मॉडल इन्होंने बताया प्लम पुडिंग मॉडल।